हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, अपने पिछले कुछ वीडियोस से मैं आपको इस कीबोर्ड के फंक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। उसी सीरीज में आज हम इस कीबोर्ड के एक और नए फंक्शन के बारे में सीखते हैं, जिसका नाम है अकॉम्प वॉल्यूम। जैसे फंक्शन की को एक्सेस करने के लिए ये वाला बटन एक बार दबाएंगे तो देखिए यहाँ ट्रांस लिख के आ गया। अब इसके बाद इसको एक बार और दबाएंगे तो इसमें देखिए अकॉम्प वॉल्यूम लिख के आ गया। अब इस फंक्शन का क्या इस्तेमाल है? इस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है रिदम के वॉल्यूम को घटाने या बढ़ाने के लिए। अच्छा, रिदम का वॉल्यूम अलग से क्यों घटाना बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि जब हम ट्यून बजाते हैं तो ट्यून का वॉल्यूम हमको कभी कभी ज़्यादा चाहिए होता है और रिदम का वॉल्यूम कम चाहिए होता है, या कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि रिदम का वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए या टोन का वॉल्यूम कम चाहिए। तो वॉल्यूम घटाने बढ़ाने की मेनली की इसमें ए है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। जब इसको हम लोग वॉल्यूम को घटाते बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे टोन और रिदम दोनों का साथ में वॉल्यूम घटता बढ़ता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली घटाना बढ़ाना चाहते हैं सिर्फ रिदम के वॉल्यूम को, तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके घटा बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है, टोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमारा रिदम का वॉल्यूम घट बढ़ जाएगा। जैसे अभी देखिए ये 127 मैक्सिमम है, इसके बाद इसको लोएस्ट ले जाए तो लोएस्ट तक जाएगा, यानी रिदम का वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। अब चलिए अगर कोई रिदम जैसे प्ले करके देखें, जैसे देखिए अभी ये रिदम बज रहा है, अगर अब इसमें हम ट्यून बजाए, देखिए ट्यून का वॉल्यूम ये निकल रहा है और रिदम का वॉल्यूम भी साथ में निकल रहा है। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम डाउन से अगर इसको डाउन करें तो देखिए सब का वॉल्यूम यानी रिदम और ट्यून दोनों का वॉल्यूम एक साथ डाउन हो गया, ठीक। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टोन का वॉल्यूम डाउन हो, सिर्फ रिदम का वॉल्यूम डाउन हो, तो इससे फंक्शन ऐप पे जाएंगे। अब इसको बस डिक्रीज करते जाएंगे अकॉम्प वॉल्यूम को। जैसे देखिए अकॉम्प वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो देखिए रिदम का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे देखिए इतना कम हो गया रिदम का वॉल्यूम। अब अगर यहाँ टोन देखिए, टोन का वॉल्यूम थोड़ा भी चेंज नहीं है, टोन उतना ही है, ठीक। तो रिदम का वॉल्यूम अलग से कम करना हो तो अकॉम्प वॉल्यूम से हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे टोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस फंक्शन का मेनली यही यूज़ है। दूसरे नंबर पे मिलता है फंक्शन हमको, जैसे अभी यहाँ पे 58 हो गया, अब इसको मैक्सिमम 127 तक जाता है, ठीक। तो इसका इस्तेमाल करके आप जितना वॉल्यूम चाहें रिदम का आप अपना सेट कर ले, उस हिसाब से अपना गाना बजाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि गाना कोई बजा रहे है उसमें ट्यून हमारा एकदम से स्लो बज रहा है, या ट्यून समझ में नहीं आ रहा, बस रिदम ही समझ में आ रहा है, तो गाना में उतना मज़ा नहीं आता है। सो आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आया हो।